Children, we are discussing applications of first law of thermodynamics. First law thermodynamics के applications को हम discuss कर रहे हैं और हमने बताया था कि first law of thermodynamics के according the heat supplied to a system is equal to change in its internal energy plus work done by the system. और इसको हमने लिखा था dQ is equal to dU plus PdV. फिर हमने इससे कुछ applications discuss किए थे जिसमें हमने आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस एटसेट्रा एटसेट्रा. अब हम इसमें नेक्स्ट ले रहे हैं, एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन लेने जा रहे हैं और वो एप्लीकेशन होगा आपका रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी. व्हाट इज सीपी एंड सीवी? सीपी इज स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड अनदर इज स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस. ठीक है, दैट इज सीपी एंड सीवी, और जिसको हम मेयर्स फॉर्मूला भी कहते हैं. मेयर्स फॉर्मूला ये हमें डेराइव करना है. सो रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट, और इन दोनों में रिलेशन हमें प्रूव करना है. और देखिए, और किसकी हेल्प से करना है? बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी हेल्प से हमें करना है. तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे. सबसे पहले वी अज्यूम अ सिलेंडर व्हिच कंटेन्स वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस. देयर इज वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, इसको हम कह रहे हैं one mole of an ideal gas. ये वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस होगी. और इस सिलेंडर में एक यहां पर मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन इज फिटेड इनसाइड इट. ओके, तो हमने क्या माना? लेट अस कंसीडर 1 gram mole ऑफ एन आइडियल गैस एनक्लोज्ड बाय अ सिलेंडर फिटेड विद मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन इन इट. ठीक है, इसके अंदर एक हमने एक मूवेबल और फ्रिक्शनलेस पिस्टन हमने एडजस्ट कर दिया, फिट कर दिया है, और ये हमने एक सिस्टम एज्यूम कर लिया है. बच्चों, लेट पी वी एंड टी आर द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ दिस गैस. क्या क्या इसका? पी इसका क्या है? प्रेशर. वी क्या है इसका? वॉल्यूम. और टी क्या है इसका? टेम्परेचर. ओके, ये हमने मान लिया. ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने एज्यूम कर ली है, और इतनी चीजें एज्यूम करने के बाद हम ये मान के चलते हैं लेट द गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. 1 gram mole हमने गैस को लिया, हमने क्या कंसीडर किया? हमने वी कंसीडर 1 gram mole of an ideal gas enclosed by cylinder fitted with movable and frictionless piston. तो बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, हमें सीपी और सीवी चाहिए. सीपी होता है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सीवी होता है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. और स्पेसिफिक हीट को हमने बताया था, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू राइज द यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस और यूनिट केल्विन बाय यूनिटी. ये भी कह सकते हैं बाय द टेम्परेचर 1 degree Celsius. और यहां हम गैस ले रहे हैं, तो सब्सटेंस कितना हो जाएगा? 1 gram mole ऑफ एन आइडियल गैस. ये हमने सब्सटेंस लिया है. तो हमने क्या किया? सबसे पहले गैस को हीट किया. कितने वॉल्यूम पर? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर. लेट dQ द हीट सप्लाइड टू द गैस. बताइए कितनी हो जाएगी? dQ इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हीट सप्लाइड का? Q इज इक्वल टू mc delta T. ये फॉर्मूला है mc delta T, ये है. तो इसकी जगह dQ, m कितना हो गया? 1. ठीक है, इस पे लिया हमने एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. c की जगह क्या हो जाएगा? cv. 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है, ये cv हो गया एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. और कितने टेम्परेचर तक? लेट द गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय dT. देखो, dT टेम्परेचर बढ़ाया
तो डीटी टेम्परेचर बढ़ाने से तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हैं तो सीवी हो गए, मास 1 ग्राम मोल हो गया, 1 हो गया, डीटी हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो व्हाट इज सीवी? वेयर सीवी इज मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। अब हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स बताइए फर्स्ट लॉ से क्या हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी क्यू की जगह हम रख देते हैं सी वी डी टी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, और ये आ जाएगा डी यू प्लस जीरो वाई जीरो, बिकॉज इफ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट देन डी वी विल बिकम जीरो। वट इज डी वी? इट इज चेंज इन वॉल्यूम, सो डी वी इज इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई। सो डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये डी यू की वैल्यू आ गई बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो पहले हमने गैस को हीट सप्लाई किया, किस पे पर किया हमने, कितना टेम्परेचर बढ़ाया? डी टी, और क्या कॉन्स्टेंट रखा? वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखा। अब इसी प्रोसेस को दोबारा करेंगे और किस में लेंगे? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, लेट द गैस इज हीटेड, गैस इज हीटेड बाय सेम राइज ऑफ टेम्परेचर, सेम राइज ऑफ टेम्परेचर डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, और उतना ही टेम्परेचर बढ़ा जितना पहले बढ़ाया था हमने। पहले कितना टेम्परेचर राइज किया था? डी टी। ये गैस का सिस्टम था, यहां से हीट सप्लाई की, और जब हीट सप्लाई हमने यहां से की, पहले कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अब आप प्रेशर को क्या रख रहे हैं? कॉन्स्टेंट रख रहे हैं। तो ऐसे केस में बताइए द हीट सप्लाइड, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, सप्लाई बताइए इस बार कितना हो जाएगा? डी क्यू डैश इज इक्वल टू मास कितना है? 1। अगेन इस बार क्या कॉन्स्टेंट रखा हमने? प्रेशर। टेम्परेचर कितना बढ़ाया? डी टी, सेम राइज ऑफ टेम्परेचर डी टी बताया आपने। सो डी क्यू डैश इज इक्वल टू सी पी डी टी, और डी क्यू डैश इज इक्वल टू सी पी डी टी, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इसमें दोबारा से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगेन, अब बताइए कितना dq की जगह कितना हो गया? मान लीजिए dq डैश, दिस टाइम द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई dq डैश इज इक्वल टू, लेट अस से चेंज इन इंटरनल एनर्जी du डैश प्लस dw डैश। अब dq डैश कितना है रख दीजिए cp dt, du डैश कितना है? नाउ du डैश इज इक्वल टू du एंड दिस इज प्लस pdv, एंड why dv? सिंस टेंपरेचर राइज इज सेम इन बोथ द केसेस, सो du डैश इज इक्वल टू du। देखिए इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। पहले केस में भी आपने सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाया dt, दूसरे केस में भी हमने उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज किया dt, तो दोनों केस में टेम्परेचर राइज सेम है, एंड सिंस इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टाइम टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इन बोथ द केसेस इन द इंटरनल चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विल बी सेम, दैट्स व्हाई du डैश इज इक्वल टू du। तो जो पहले केस में इंटरनल एनर्जी में चेंज आया था उतना ही चेंज सेकंड में आएगा। du डैश की जगह क्या रख दिया आपने? du, और dw डैश दिस टाइम कितना हो जाएगा? pdv। ये dv जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट अकर्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सो वॉल्यूम विल चेंज, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अब हम ये इक्वेशन नंबर 4 में, और यहां से du की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली थी, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 4। तो देखिए क्या आ जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा cp dt इज इक्वल टू du की जगह क्या है? cv dt प्लस pdv, प्लस pdv, और cp माइनस cv dt इज इक्वल टू pdv से इक्वेशन नंबर 5, pdv से इक्वेशन नंबर 5। क्या किया हमने? cv dt को उधर शिफ्ट कर दिया, इसमें से dt कॉमन ले लिया, ये इक्वेशन बन गई बच्चों। और ये हमने वैल्यू किस पे निकालना है? सारा प्रोसेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। कितना हमने इसमें सिस्टम में क्या लिया है हमने? थर्मोडायनेमिक सिस्टम, हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम में 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ली है, तो फॉर 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस, आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू आर टी, ओके, डिफरेंशिएटिंग इट, डिफरेंशिएटिंग अबव ये आ जाएगा पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी। कैसे आया? किस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? पूरा प्रोसेस किस पे चल रहा है? कांस्टेंट प्रेशर।
अब हमने इसको एट कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं, और जब कांस्टेंट प्रेशर पे लेंगे तो P कांस्टेंट है और V को हमने कर दिया dV, यहाँ गैस कांस्टेंट होता है R, और T का डिफरेंशिएशन क्या हो गया dT हो गया, तो P dV इज इक्वल टू R dT, ये इस गैस के डिफरेंशिएशन हो गया। और ये वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें फ्रॉम इक्वेशंस, व्हिच इक्वेशंस 5 एंड 6, तो देखिए कितना हो जाएगा CP - CV dT इज इक्वल टू R dT, ये कैंसिल हो जाएगा और CP माइनस CV इक्वल टू R। देखिए ये बच्चों इसमें से यहाँ पे CP क्या था, व्हाट इज CP, जब हमने इसमें कहा कि इसमें CP dT है, CP मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सो व्हाट इज CP, इट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV को क्या बताया था हमने, CV को यहां लिखा है, क्या लिखा है, इट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एंड व्हाट इज आर, आर इज गैस कॉन्स्टेंट फॉर वन मोल, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, एंड दिस इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स फॉर्मूला, सो बाई यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव डेराइव्ड द रिलेशन बिटवीन The two principal specific heats of a gas, हमने पहले पढ़ा था गैस में जो स्पेसिफिक हीट होती है वो दो तरह की होती है, एक एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और दूसरा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ओके, और ये भी हमने बताया था CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV, तो यहां से हमने प्रूव भी कर दिया CP माइनस CV की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, R की इक्वल आएगी, R क्या बताया था हमने यहाँ पर, व्हाट इज R, इट इज द गैस कॉन्स्टेंट फॉर वन मोल, एक मोल के लिए जो कॉन्स्टेंट माना जाता है वो गैस कॉन्स्टेंट हो गया है, तो ये वैल्यू बच्चों, ये दिस इज द डेरिवेशन ऑफ मेयर्स फॉर्मूला, तो ये भी एक एप्लीकेशन था, बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसके लिए, ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, तो ये बच्चों बन गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए अभी तक हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने उसका साइन कन्वेंशन डिस्कस कर दिया है, अंडर विच कंडीशन द हीट सप्लाइड और हीट इज एब्जॉर्ब, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, सिमिलरली फॉर वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, and then we discuss few applications of first law of thermodynamics. Now we come to limitations of first law of thermodynamics. अब first law of thermodynamics के limitations क्या हैं बच्चों? हम उनको discuss कर लेते हैं. Limitations of first law of thermodynamics. अब देखिए इसमें दो लिमिटेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट हम लिमिटेशंस मानते हैं, इसमें टू इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला लिमिटेशन तो ये है इसमें बच्चों, इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स और इन विच द हीट फ्लोस, इसमें ये कोई इंडिकेशन नहीं है, इसमें जब हीट फ्लो करती है, अभी हमने पढ़ा है हीट फ्लोस कहां से कहां तक बच्चों, फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, तो जब दोनों बॉडी को कांटेक्ट में रखते हैं तो हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट गिव एनी आइडिया व्हाई देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट हायर टेम्परेचर, सो इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द डायरेक्शन इन विच द ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स, व्हाई द हीट अकर्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहली एप्लीकेशन तो ये होगी बच्चों, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ एप्लीकेशन हो गया, ठीक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये नहीं बताता कि अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज, जो अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज है वो कितना हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग तो आपने बताया dQ इक्वल टू dU प्लस dW, जितना हीट सप्लाई करते जाएंगे उसके रेस्पेक्ट में उतना ही वर्क होता चला जाएगा, तो क्या इसको हम अनलिमिटेड वर्क ले सकते हैं फ्रॉम द हीट सप्लाई, ऐसा नहीं है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल कंडीशंस हैं, सो एनी अमाउंट ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन बाय सप्लाइंग द हीट, कितना भी वर्क आप करते जाएं इसके अकॉर्डिंग तो सीधा dQ इक्वल टू dU प्लस dW, जितना dQ बढ़ाते जाएंगे dW बढ़ता चला जाएगा अनलिमिटेड, इससे तो हम वर्क ले सकते हैं, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। और देखिए फर्स्ट लॉ के हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, अगर यहाँ पर अगर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जैसे हमने कहीं भी अगर हम किसी गाड़ी को मूव कराते हैं
और जब गाड़ी तेज स्पीड पर होती है ब्रेक लगा करके आप उसको रोक देते हैं और ब्रेक्स और रिम या टायर्स के बीच में हीट प्रोड्यूस होती है, और जब वो ब्रेक से हीट जो होती है जब वो कूल डाउन हो जाते हैं टायर्स, तो क्या उसके बाद गाड़ी अपने आप चल देती है? नहीं चल देती है। तो पहले जो कन्वर्जन हुआ था, किसमें कन्वर्जन हुआ था? एनर्जी का, हीट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी का, वो दोबारा से मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी में अपने आप कन्वर्ट नहीं होती है। गाड़ी उसके बाद कूल डाउन के बाद अपने आप नहीं चलती है। तो ये देखो, ये इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साइलेंट है, कोई आइडिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं दिया। जब हम बुलेट फायर करते हैं वो किसी टारगेट में एम्बेड करती है और वहां वो रुक जाती है जाकर के, ऑन अकाउंट ऑफ फ्रिक्शन सम हीट इज प्रोड्यूस ओवर देयर, लेकिन जैसे ही वो वहां से कूल डाउन होती है तो उसके बाद में जो बुलेट होती है फर्दर इट विल नॉट रिवर्टेड बैक, वो वापस नहीं आती है। ऐसा तो नहीं कि वहां से बुलेट जैसे ही एंटर करेगी, एम्बेड करेगी, हीट प्रोड्यूस होगी, वो बुलेट वहां रुक जाएगी, जैसे ही वो कूल डाउन होगा टारगेट, तो उसके बाद में बुलेट फिर वापस चल देगी। सो अगेन दिस हीट इज नॉट कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी एट इट्स ओन। तो इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साइलेंट है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलिए अब आपने जीरोथ लॉ पढ़ दिया है, फर्स्ट लॉ पढ़ दिया है, फर्स्ट लॉ की हमने लिमिटेशंस भी पढ़नी है। अब इस फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। नाउ वी टेक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसके दो स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट इसमें है केल्विन एंड प्लैंक्स स्टेटमेंट, प्लैंक्स स्टेटमेंट। दो साइंटिस्ट हुए केल्विन और प्लैंक, उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने ये कहा, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन, हीट इंजन टू और विच वुड एब्जॉर्ब, which would absorb heat from a reservoir and converts 100% of it into work. इन्होंने कहा कि ये impossible है कि आप किसी भी reservoir से, reservoir means which has infinite thermal capacity from which you can take a large amount of heat, तो उसको हम रिजर्वायर कहते हैं, कि कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं हो सकता जो किसी भी रिजर्वायर से हीट को एब्जॉर्ब करे और उस हीट एब्जॉर्ब का 100% किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ये किसने स्टेटमेंट दिया, केल्विन एंड प्लैंक्स ने स्टेटमेंट दिया। तो जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस थी कि भाई हम अपना कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट ले उसका सारा पार्ट अब हम उसमें किस में कन्वर्ट कर देंगे, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो ये हुआ। दूसरा एक और इसमें साइंटिस्ट हुए, वे कहते हैं क्लॉसियस, क्लॉसियस स्टेटमेंट, उन्होंने भी यही कहा। देखिए उन्होंने कहा, इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ट्रांसफर विदाउट एडिंग और विदाउट एडिड एनी एक्सटर्नल एजेंसी, एजेंसी टू ट्रांसफर हीट, टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा कि कोई भी ऐसी सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं चल सकती, अपने आप चलने वाली मशीन नहीं बन सकती विदाउट एडिंग एनी एक्सटर्नल एजेंसी, जिसमें कोई बाहर की एजेंसी को हम ऐड ना करें, यूज ना करें, उस बिना एक्सटर्नल एजेंसी के कोई ऐसी मशीन नहीं बन सकती जो हीट को अपने आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफर कर सकती है। दिस इज क्लॉसियस स्टेटमेंट, और ये दोनों स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल से स्टार्ट होते हैं, तो इनको हम नेगेटिव लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। सो व्हाट इज सेकंड लॉ, इट इज ए नेगेटिव लॉ, नेगेटिव थिंकिंग है। जैसे हम नेगेटिव इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज है, किसी को कहा जाए कि आप ये काम करके, ये पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, दिस इज नोन एज द नेगेटिव माइंडसेट। तो इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, इट इज द नेगेटिव लॉ।
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नेगेटिव लॉ विच स्टार्ट्स विद इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होता है घर का, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें तो हीट आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफर करते हैं। लेकिन वो बच्चों कोई भी ऐसी सेल्फ एक्टिंग मशीन अपने आप नहीं बन सकती, उसमें कंप्रेसर लगा हुआ, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है। सेल्फ एक्टिंग का मतलब ये हुआ कि अगर उसमें से कंप्रेसर और इलेक्ट्रिक मोटर को रिमूव कर दिया जाए, डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन उसमें नहीं दें, तो कोई भी ऐसा रेफ्रिजरेटर फ्रिज नहीं बन सकता कि जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर अपने आप हीट को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। सो व्हाट इज दिस लॉ, दिस इज कॉल्ड क्लॉसियस स्टेटमेंट। बेसिकली दोनों ही लॉ का अगर कंक्लूजन देखा जाए तो उस कंक्लूजन में यही आता है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर ऑटोमेटिकली बिना किसी एक्सटर्नल को ऐड किए हुए हीट ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है बच्चों, आई थिंक इट इज क्लियर। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके एप्लीकेशंस, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड फाइनली वी हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इस तरह से लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां पर कंप्लीट हो जाता है।